मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट कर लिया? असाइनमेंट कहाँ तक कंप्लीट किया है? एक्सरसाइज 3 तक कर लिया पूरा कि 4 भी कर ली? एक्सरसाइज 4 भी कर ली, ठीक है ओके। कल अपना डाउट टाइम है ही, है ना? चलिए अब हमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट करना है ना, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, पीएमसी बोलते हैं अपन शॉर्ट में, ठीक है। तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में सबसे पहली चीज हम जो बात करते हैं वो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ कॉम्बिनेशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में टू रूल्स होते हैं, मल्टीप्लीकेशन रूल एंड एडिशन। मल्टीप्लीकेशन रूल और सेकंड होता है एडिशन। हम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन रूल की बात करते हैं। इफ अ वर्क कैन बी डन इन एम डिफरेंट वेज एंड अनदर वर्क कैन बी डन इन एन डिफरेंट वेज, देन बोथ वर्क साइमल्टेनियसली कैन बी डन बाय एम इनटू एन वेज, है ना? मल्टीप्लीकेशन रूल क्या होता है? इफ अ वर्क कैन बी डन इन एम डिफरेंट वेज एंड अनदर वर्क कैन बी डन इन एन डिफरेंट, देन बोथ वर्क कैन बी साइमल्टेनियसली डन एम इंटू एन वेज। बात समझ में आ गई क्या? अगर दोनों वर्क को एक साथ करना है तो उसको हम कितने वे से कर सकते हैं? एम इंटू एन वेज। जैसे कि अगर हम बोले कि स्टेशन ए से बी तक जाने के 4 रूट, ठीक है, और बी से सी तक जाने के 6 वे। एक पर्सन इन हाउ मेनी वे कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ए टू सी? क्योंकि देखो इसमें दो वर्क है और दोनों साइमल्टेनियसली करना है। समझ में आ रहा है? साइमल्टेनियसली क्यों करना? ए से सी जाना, ए से सी जाने के लिए हमें ए से बी जाना पड़ेगा, ये वर्क भी करना पड़ेगा और ये वर्क। तो कंप्लीट जो एक्शन है वो दोनों वर्क को साइमल्टेनियसली करने पर होगी, है ना? तो हम क्या बोलेंगे, ये 4 वे और बी से सी तक जाने के 6 वे, तो 4 6 24। किसी ने आंसर 20 दिया, 5 वे नहीं है, 6 वे। ठीक है, कितना आगे बात समझ में आई क्या? मल्टीप्लीकेशन रूल है ना। सेकेंड एग्जाम्पल, इफ अ पर्सन देयर आर, या इफ अपन दूसरा एग्जाम्पल लेता हूं, देयर आर 10 बसेस फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे, देयर आर 10 बसेस फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन गो फ्रॉम वन बस फ्रॉम आगरा फ्रॉम बाय वन बस फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे एंड रिटर्न बाय अनदर बस? 10 बसेस, इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन गो फ्रॉम आगरा टू बॉम्बे बाय एनी बस एंड रिटर्न फ्रॉम डिफरेंट बस? क्या आएगा आंसर? हंड्रेड नहीं आएगा, रिटर्न जिससे गया था उससे नहीं आ सकता, लैंग्वेज ध्यान में, है ना? यहाँ कितने भी हो जाएंगे, ए टू बी जाने के 10 बसेस हैं,
जिससे जाना है उससे वापस नहीं आना, रिटर्न बाय डिफरेंट, रिटर्न बाय डिफरेंट, जाने के 10 वे, लौटने के 9 वे, टोटल वे। समझ में आया क्या? इन अ सिनेमा हॉल देयर आर, इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 1, 2, 3, 4, 5 कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन अ सिनेमा हॉल देयर आर 6 गेट्स इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन एंटर द सिनेमा हॉल एंड रिटर्न बाय डिफरेंट गेट इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन कैन एंटर बेटा रिटर्न बाय डिफरेंट गेट बोला ना एंड रिटर्न बाय डिफरेंट गेट बिल्कुल सही सबने सही बताया 6 वे से एंटर कर सकता है और 5 वे से रिटर्न कितना आ जाएगा 30 तो मल्टीप्लीकेशन रूल सबको समझ में आया क्या मल्टीप्लीकेशन रूल सबको समझ में आया ओके चलो अब हम कौन सा रूल लिखेंगे एडिशन रूल ये कंप्लीट हो गया तीनों एग्जांपल नोट कर लिए सभी ने चलो अब हम एडिशन रूल पर आते हैं नोटेड If a work can be done in m different ways and another work can be done in n different ways, then one of the work can be done. Then one of the work then one of the work can be done. Then one of the work can be done by m plus n different. One of the work can be done by m plus n different. Right? दोनों में से कोई एक. For example, station B से C जाने के 3 रास्ते हैं और B से ए आने के 4 रास्ते इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन लीव स्टेशन बी इन हाउ मेनी वेज कैन अ पर्सन लीव स्टेशन बी 7 क्यों किया सम क्योंकि उसको दोनों में से कोई एक काम करना है स्टेशन बी लीव से जाना है मतलब या तो वो ए आ जाए या सी चला जाए दोनों एक साथ तोड़ जाएगा समझ में आया क्या एडिशन रूल अब कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें एडिशन और मल्टीप्लीकेशन रूल एक साथ लग जाता है एलिमेंट्स ऑफ अ 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स आर Either 0 or 1. Either 0 or 1. Then, how many matrices can be formed? Then, how many matrices can be formed? कुणाल ने आंसर बिल्कुल सही दिया है ना तो देखो इसमें एडिशन रूल किसी भी 3x3 ऑर्डर मैट्रिक्स
बनाने के लिए हमें ये 9 एलिमेंट एक साथ फिल करना पड़ेंगे, मतलब 9 डिफरेंट वर्क साइमल्टेनियसली करना, और हर वर्क को कितने वे से कर सकते हैं, या तो 0 भरे या 1, या एडिशन रूल लगा, टू वे बोल रहे हैं ना अपन, टू वे, इधर 0 और 1, टू वे से फिल कर सकते हैं पहले प्लेस, और 9 के 9 प्लेस एक साथ फिल करना है तब मैट्रिक्स बनेगा। तो 2 × 2 × 2 9 टाइम्स 6 7 8, ये मल्टीप्ली हर प्लेस को एक साथ फिल करना है, सारे प्लेसेस एक साथ फिल होंगे इसलिए मल्टीप्लीकेशन रूल, और हर एक प्लेस को टू वे से 0 या 1 सबको समझ में आ गया क्या? तो रिपीट करिए सर। मैट्रिक्स बनाना है, उसमें मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। कितने प्लेस होंगे 3x3, कितने एलिमेंट होंगे 9, तो 9 प्लेसेस भरना है, 9 प्लेसेस वैकेंट, मैट्रिक्स बनाना। 9 के 9 एक साथ भरना है, अगर एक ही कोई छोड़ दोगे तो मैट्रिक्स बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो 9 वर्क साइमल्टेनियसली करना है, इसलिए बीच में इनटू लगाया, और हर प्लेस को फिल करने के 2 वे, या तो 0 फिल करोगे या 1, तो 0 भरने का एक वे और 1 फिल करने का एक वे, तो 1+1 2 वे हो गए फर्स्ट प्लेस को फिल, सेकंड 2 वे हो गए सेकंड प्लेस को फिल कर, 2 वे हो गए थर्ड प्लेस को फिल कर, 2 वे हो गए फोर्थ प्लेस को फिल कर, 2 वे फिफ्थ प्लेस को फिल करने के, 2 वे सिक्स्थ प्लेस को फिल कर, इसी तरह 9th प्लेस को फिल करने के भी 2 वे, तो सारे प्लेसेस एक साथ फिल करना है, तो 2 × 2 × 2 9 9s। समझ में आया क्या? यस सर। हो गया सबको समझ में आ गया? ओके। इसमें एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल एक साथ है। There are 25 students in a class, in which 15 are girls and 10 are boys. In how many way can a teacher choose a monitor? There are 25 students, in which 15 are girls and 10 are boys. In how many ways can a teacher choose a monitor? कौन बता रहा है जल्दी बताएं। बता रहा कोई जल्दी बताएं बेटा? सोम्या, रवि, प्रियंका, स्नेहिल, गलत। 25 ही स्टूडेंट है, क्वेश्चन आपने समझा नहीं। 15 बॉयज हैं, हाँ बिल्कुल 25, कुणाल ने बिल्कुल सही बताया। 25 ही स्टूडेंट हैं, 15 बॉयज हैं, 15 गर्ल्स हैं, 10 बॉयज, मॉनिटर एक सिलेक्ट करना है, तो बॉय को मॉनिटर बनाने के वे, किसी भी बॉय को मॉनिटर बनाएंगे वो 10 वे, और किसी भी गर्ल को मॉनिटर बनाएंगे 15 वे, दोनों में से कोई एक मॉनिटर बनाना है, या तो 15 वे से में से किसी एक बॉय को मॉनिटर बना दें, या फिर किसी एक गर्ल को, 15 दोनों में से कोई एक काम करना, 15+10 आंसर विल बी 25। ओके, बात समझ में आ गई? ठीक है, अब फैक्टोरियल सभी को मालूम है, ये सिंबल होता है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, दूसरा फैक्टोरियल एन इंटू इक्वल्स टू एन इंटू फैक्टोरियल एन माइनस, जिस भी रिजल्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम हो बता दें। फैक्टोरियल 0 1 नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल इंफिनिटी होता है अगर आर कोई भी, ठीक है, किसी भी रिजल्ट में कोई प्रॉब्लम हो तो बता दें। बायनोमियल थ्योरम के साथ भी बताए थे ये रिजल्ट।
completed. Permutation. ना परमुटेशन क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, है ना? नंबर परमुटेशंस का जस्ट मीनिंग क्या होता है? नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट ऑफ गिवन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन सम और ऑल एट अ टाइम. परमुटेशन की सिंपल डेफिनेशन, नंबर ऑफ अरेंजमेंट और नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग, नंबर ऑफ अरेंजमेंट, number of arrangements of distinct objects taken sum, taken sum or all at a time. Number of arrangements of distinct objects taken sum or all at a time. है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? परमुटेशन. जैसे कि अगर हम थ्री ऑब्जेक्ट लेते हैं एबीसी, उनमें से टू टू ऑब्जेक्ट्स को कितने वे से अरेंज कर सकते? टेकन टू एट ए टाइम. नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम, बताएगा कोई? ऐसे अरेंज करो, ए बी बी सी सी ए बी ए सी बी, ये सिक्स डिफरेंट अरेंजमेंट. समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? ये क्या लिखा हमने? यस सर. नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग थ्री डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन टू एट ए टाइम. अब ये तो क्या थ्री ऑब्जेक्ट थे, टू टू के टू टू को लेकर अरेंज करना था, छोटा क्वेश्चन था, आपने ऐसे ही अरेंजमेंट काउंट कर लिया. लेकिन जब मैं बोलूं 25 ऑब्जेक्ट्स हैं और उनमें से 5 को कितने वे से अरेंज कर सकते हैं, तो ऐसे काउंट नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए हमें फॉर्मूला बनाना पड़ा, है ना? फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट ए टाइम. मैं लिख रहा हूँ फॉर्मूला, ये नोट कर चुके हैं यहाँ तक? Number of ways of arranging n distinct objects n distinct objects taken r at a time. Number of ways of arranging n distinct objects taken r at a time. n p r से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? फॉर्मूला होता फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n, वेयर r इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. समझ में आया क्या? Number of ways of arranging n distinct objects taken r at a time, n p r. जैसे अभी हमने 3 और 2 का example लिया था, 3p. Factorial 3 upon factorial 3 minus 2 factorial. Factorial 3, 3 into. क्या आया था? समझ में आया क्या? ठीक है, तो बड़े सिंपल कुछ वर्ड्स से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. नंबर ऑफ वर्ड्स विच दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड
of the word. Number of words can be formed from the letters of the word. तो मीनिंग ये होगा नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड फादर. फादर में कितने लेटर 1 2 3 4 5 6 3 3 6 6 लेटर्स हैं. तो इसका इस क्वेश्चन का मीनिंग क्या हुआ, हमें ऑल लेटर्स एक साथ लेना. अगर ऑल नहीं लेना होता, 3 लेके वर्ड बनाना होता तो लिखता टेकन 3 एट एंड नहीं लिखा हमने सारे लेकर ऑल 6 लेटर्स को लेकर 6 लेटर के कितने वर्ड बनेंगे डिफरेंट वर्ड्स. उसमें क्या करना है, 6 ऑब्जेक्ट्स में से पूरे के पूरे 6 को लेकर अरेंजमेंट बना. क्या लिखोगे, आर लेके बनाते तो एन पी आर 6P6 कितना आ जाएगा. फैक्टोरियल 01 होता है. बात समझ में आ गई क्या सभी को, है? तो अब जैसे इसी से हम एक रिजल्ट लिख देते हैं, एन पी एन फैक्टोरियल है और एनपी 01 दोनों रिजल्ट समझ में है. एनपीएन फैक्टोरियल एंड एनपी 01 तो वर्ड प्रॉब्लम समझना है कि कैसे ऐसा ये लैंग्वेज हो तो हमें जितने लेटर हैं सभी लेटर्स को यूज करके और कोई कंडीशन होगी तो वो देखा. फिर इसके बाद नंबर प्रॉब्लम होती, नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम. हाउ मैनी नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 if repetition is not allowed. If repetition is not One pretty. 1 2 3 4 5 6 three digit number banana or 6 digits mein se dekho do tari kya likhoge 6P3 ye bhi kar sakte aisa bhi kar sakte ye three places fill karna koi sa bhi ek number le liya 6 way se ab jo ek number le liya wo fill nahi kar sakte to 5 way se 6P3 bhi calculate karoge to wahi aayega. Samajh mein aaya kya sabhi ko. समझ में आया? यस सर. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड. हाउ मेनी सिग्नल्स कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 8 डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स using 5 at a time. बता सकते हैं? How many signals can be formed using 8 different colored flags using 1 minute? How many signals can be formed from 8 different colored flags using 5 at a time?
करना है, मीनिंग समझ गए हमें, एट डिफरेंट कलर्ड फ्लैग्स हैं, उनमें से फाइव को एट ए टाइम लेना है, तो एट में से फाइव जितने वे से सिलेक्ट करोगे, 336 कहते हैं यार, क्या किया 8P5 किया ना, यही करोगे ना 8P5, यही किया ना। हाँ ये सही बताया नंदिनी ने, सही बताया सौम्या ने, सही बताया। ठीक है, तो जिन्होंने इसके पहले बताया था वो अपनी गलती पकड़े। फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 5 4। सब कुछ समझ में आया क्या? क्लियर कंसेप्ट समझ में आ रहा है? अभी लेटर लॉक, लॉक लेटर लॉक मालूम है सभी? क्या होता है लेटर लॉक? उससे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। लेटर लॉक क्या होता है? सूटकेस में लॉक होता है जिसमें रिंग्स होती है, डिफरेंट रिंग्स होती है, सभी जानते हैं लेटर लॉक लॉक करने के लिए। तो अब वो डिपेंड करता है कि कितनी रिंग्स वाला लॉक है और हर एक रिंग पर कितने लेटर है। इन जनरल 3 रिंग वाला लॉक होता है और हर एक रिंग पर किसी में 10 कीज होती है। कीज होती मतलब 10 नंबर्स होते हैं, 0 to 9, 0 to 9, 0। तो हमें ये नहीं मालूम कि कितनी रिंग्स है और हर रिंग पर कितने लेटर, वो डिफरेंट टाइप के लॉक्स में डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। इन जनरल 3 होता है 0 to 9, 3 रिंग्स होती है 0 to 9, या 4 रिंग्स होती है 0। अपन लेटर लॉक का मतलब समझ गए। लेट देयर आर एन रिंग्स इन अ लेटर लॉक, इन अ लेटर लॉक एंड ईच रिंग कंटेन्स and each ring contains m letters, each ring contains m letters। ठीक है, तो in how many way we can lock, in how many way we can lock, total जैसे कि अगर 3 rings है और सब पे 10 10 letter है तो इसको हम 10 वे से ले सकते हैं। पहली रिंग पर किसी भी लेटर को चूज कितने वे से कर सकते हैं, 10 वे से, दूसरे पर भी 10 वे से, तीसरे पर भी 10 वे से, तो 10 क्यूब हो जाए। तो यहाँ n रिंग्स हैं, हर एक रिंग पर हम n वे से लॉक कर सकते हैं, तो n टू दी पावर n। ये बात समझ में आ गई कि सबको? टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज टू लॉक क्या आएगा? m टू दी पावर n। क्या ये सबको समझ में आया क्या? कंसेप्ट समझ में आया क्या ये सभी को? अब नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू, अब किसी ने लॉक लगा दिया इतने वे, नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। सक्सेसफुल अटेम्प्ट मतलब एक ऐसा अटेम्प्ट किया जिसमें लॉक खुल जाए, वो तो वन ही होगा। नंबर ऑफ सक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक वन। ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक, टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट
माइनस वन टोटल नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स माइनस वन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स। क्या ये बात सबको क्लियर है? तो लेटर लॉक समझ में आया? कोई भी प्रॉब्लम आए तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब लेटर लॉक के बाद पर्टिकुलरली रैंक का क्वेश्चन, किसी भी वर्ड की रैंक निकाल, रैंक ऑफ अ गिवन वर्ड, ये नोट कर लिया क्या सभी ने? हाँ तो कर लो, जिन्होंने नहीं कर पाया वो नोट कर लें। हो गया? Rank of a given word. है ना, गिवन वर्ड की रैंक। रैंक का मतलब होता है कि अगर हम उसके लेटर्स को, गिवन वर्ड के लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें, उसी को बोलते हैं लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग अ डिक्शनरी, ठीक है। इफ लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड आर अरेंज्ड according to dictionary, or according to English dictionary, है ना, obvious ही बात है, English dictionary, ठीक है, according to English dictionary or in alphabetic order, alphabetical order. है ना, देन पोजीशन, और हम बोले नंबरिंग ऑफ द वर्ड इज कॉल्ड इट्स रैंक। इफ लेटर्स ऑफ द गिवन वर्ड, तो लिखे ही, if letters of the given word are arranged according to English dictionary or in alphabetical order, then position numbering of the word is called its rank. मतलब समझ में आया कि जैसे एक बिल्कुल सिंपल एग्जांपल से बताता हूँ, राम वर्ड लिया है, how many words can be formed from the letters of the word? जल्दी बताएं, how many words, different words can be formed from the letters of the word राम? सिक्स। ये नाइन किसने बताया? सौम्या, बिल्कुल गलत बताया, सिक्स। अरे भाई थ्री लेटर्स हैं, है ना सौम्या, मिस्टेक हो गई, थ्री लेटर्स हैं, तीनों को एक साथ लेके अरेंज करोगे तो थ्री पी थ्री वे आएंगे, थ्री फैक्टर, सिक्स वे, नाइन नहीं सिक्स वे, राइट। ओके, अब अगर हम इसके लेटर्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें तो राम की रैंक क्या होगी? क्वेश्चन के देन, व्हाट विल बी द रैंक ऑफ द वर्ड राम, और प्लेस एट व्हिच, नंबर ऑफ प्लेस, नंबरिंग ऑफ द वर्ड्स, वेयर वेयर व्हेन राम अकर, है ना, राम की रैंक क्या होगी, ये कुणाल ने सही बताया, ठीक है। तो अब बाकी सबको भी समझने दें रैंक का कंसेप्ट। टोटल वर्ड सिक्स बनेंगे, तो उस वर्ड से जितने भी, उस वर्ड के लेटर से जितने भी टोटल वर्ड्स बनते हैं, रैंक हमेशा उससे लेस और इक्वल होती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती किसी भी वर्ड,
ओके इज इट क्लियर? ठीक है, तो अब हम इस अल्फाबेटिक ऑर्डर इस वर्ड का देखें. AMR थ्री लेटर है, इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा. तो पहला वर्ड बनेगा AMR. ए से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लिख दें. अब या तो क्या कम सिक्स, टोटली सिक्स वर्ड है इसलिए सारे लिख सकते. AMR, ARM, ए से बनने वाले सारे वर्ड खत्म. उसके बाद एम से MAR, MRA. उसके बाद अगला आएगा सिक्स, अगर हम बनाए RM. टोटल सिक्स वर्ड बनेंगे ये, जिनको मैंने पूरे सिक्स को अल्फाबेटिक ऑर्डर दिया. तो राम कौन से नंबर पे है? 1, 2, 3, 4, 5. तो रैंक ऑफ राम, सबको समझ में आया? अब हर क्वेश्चन में हम पूरे तो बना नहीं पाएंगे, तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद ए, ए से स्टार्ट होने वाले. तो ए से स्टार्ट होने वाले एम और आर को अरेंज करेंगे टू वे, इस तरह से. समझ में आया? नोट कर लें इसको. हो गया, सभी को समझ में आ गया रैंक का कंसेप्ट? नोट कर लिया सभी ने? यस सर. ठीक है, फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड लिखो क्वेश्चन. फाइंड द रैंक ऑफ द वर्ड टफ. हाँ, तो देखो सबसे पहले इसके जो लेटर्स उनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में रख. GHOTU टफ का अल्फाबेटिक ऑर्डर लिख दिया. वो टू GHOTU, GH पहले आएगा फिर वो आएगा फिर. हाँ, तो अब देखो G से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड लिखें. नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विद G, तो जी को अलग किया, इनको अरेंज करना 1, 2, 3, 4 फैक्टोरियल 4 या 4P4 एक ही बात है. 24 राइट. अब जी से सारे वर्ड हो गए अपना, तो टफ है तो टी आने तक टाइम लगे. अब एच से अरेंज हो, एच से स्टार्ट होने वाले, एच को इधर कर दिया जी ओ टी यू, फिर वही 4P4 फैक्टोरियल 4, 20. समझ में आना सभी को? 15 नहीं भाई, जी एच 15 कैसे आ जाएगी? 24 24 70 48 तो यही हो गए. उसे स्टार्ट होने हो 24 ओके बाद फिर टी. अब टफ तो चाहिए, अगर टी से स्टार्ट होने वाले भी पूरे लिख दो तो 96 हो जाएंगे, उसके बीच में कहीं ना कहीं टफ आ जाएगा. समझ में आया ना? इसलिए मैं टी टफ लाना है. टी के बाद अगला वर्ड क्या आएगा? टीजी से स्टार्ट होने वाला, टी के बाद जी से, टीजी से स्टार्ट होने वाले 3P3 फैक्टोरियल 3, 6. टीजी के बाद टीएच से स्टार्ट होने वाला सेम, टीओ के बाद, सॉरी टीएच के बाद टीओ. अब टी ओ यू के पहले क्या स्टार्ट होगा? टी ओ जी से स्टार्ट होगा, टी ओ जी.
टीओजी के बाद टीओएच, टीओएच के बाद टीओ, एच के बाद क्या आएगा टीओयू और जीएच अल्फाबेटिक ऑर्डर में, कितनी आ गई? किसी ने बताई थी, मैंने काउंट नहीं किया, काउंट कर लो इसको, ये इस वन फर्स्ट 72 और 84 और फिर 88 तो यहाँ हो गए, ये 89th नंबर, टच की रैंक क्या हो गई 89। क्या सबको समझ में आया क्या? ओके चलिए, हो गया आपका टफ को भी काउंट किया ना, वन टफ को भी वन काउंट किया, तभी तो 89 आया है। जिस नंबर पर टफ आएगा 88 ये बन गया, 89th नंबर पर टफ आया तो उसी को हमने रैंक बोला। ठीक है, बात समझ में आ गई? ओके हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे रचित, RACHIT है ना, आप लोग करें और आंसर बताएं। हाँ, इसने हिल ने सही आंसर दिया है और लोग भी बताएं। तो मैं आपका मिस्टेक है, देखें अल्फाबेटिक ऑर्डर देखें, ACHIRT यही अल्फाबेटिक ऑर्डर, ACHIRT ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड, तो ए को हटा दें, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल 5 120, ए के बाद सी से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 5 120, फिर एच से स्टार्ट होने वाले फैक्टोरियल 5 120, R से स्टार्ट होने वाले, नहीं I से स्टार्ट, अब R से स्टार्ट हो तो R तो चाहिए ही है, R हटा दें तो ACHIT अल्फाबेटिक ऑर्डर में ये सारे 480 तो ये हो गए,
पर मन बिल्कुल रैंक ऑफ द वर्ल्ड रचित विल बी 481. ओके नेक्स्ट रैंडम नेक्स्ट वर्ड मैंने दिया है रैंडम करेंगे आया किसी का आंसर यस सौम्या का सही है बिल्कुल नंदिनी आपके मिस्टेक है स्नेहिल आपका भी मिस्टेक है अब देखो अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज करें ए डी एम एन ओ आर है ना ए से स्टार्ट होने वाले वर्ड फैक्टोरियल 5 120 है ना ए के बाद डी एम एन ओ सबसे 120 ओ के बाद अब आर के बाद तो ए आएगी आर ए के बाद डी आए आर ए डी से स्टार्ट होता है फैक्टोरियल 3 6 आर ए डी के बाद लाना है आर ए डी एम आएगा फिर आर ए एम से स्टार्ट होना एम के बाद एन अब डी ओ एम अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही है नहीं पहले एम आएगा फिर ओ ये एक और ये टोटल 612 13 सबको समझ में आ गया कि कंसेप्ट यस चलिए अब हम रेस्ट्रिक्टेड परमुटेशंस की बात करते हैं जिसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होगा अब रिस्ट्रिक्शन तो हम बिल्कुल ऐसे ही देख सकते हैं जैसे कि हम बोलें कि अगर आपको डिजिट्स दिए हैं 1 2 3 3 डिजिट दिए हैं इससे 3 डिजिट कितने नंबर बने 3 डिजिट से 3 डिजिट के कितने नंबर बने 6 नंबर बने
है ना, थ्री डिजिट से थ्री डिजिट के कितने नंबर बना पाते, सिक्स, ओके। लेकिन अब वो डिजिट्स में अगर मैं जीरो कर देता, आपको वन टू थ्री ये डिजिट दिए थे तो आपने थ्री पी थ्री फैक्टोरियल थ्री से, अब मैं जीरो वन टू डिजिट जीरो बदल, तो थ्री डिजिट नंबर बनाने के लिए आप जीरो को इस प्लेस पे नहीं लिख सकते थ्री डिजिट नंबर में। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं था, किसी को कहीं भी लिख सकते, तो जीरो यहाँ नहीं आ सकता, तो इस प्लेस को टू वे से ही भर सकते, और इस वे को, इस प्लेस को, हाँ। और एक और कंडीशन मैंने यहाँ बोला, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड, तब आया है सिक्स, थ्री डिजिट से थ्री डिजिट के कितने नंबर बना सकते हो इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउ करोगे तो ज्यादा नंबर बन जाएंगे, ठीक है। मैंने रिपीटिशन अलाउ नहीं किया, तो यहाँ भी रिपीटिशन अलाउ नहीं, यहाँ हम मैंने वन और टू में से कोई एक भर दिया, एक नंबर हो गया। इस प्लेस को भी टू वे से फिल कर सकते हो और इस प्लेस को वन वे से ही फिल कर सकते हो, फोर नंबर ही है ना। और ये दोनों केस में हम क्या बात कर रहे हैं, रिपीटिशन इज नॉट अलाउड। रिपीटिशन अलाउ करेंगे तो थोड़ा सा केस चेंज, समझ में आया क्या। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो गया कि भाई आप थ्री डिजिट नंबर में हंड्रेड प्लेस पर उधर से काउंट करें तो जीरो नहीं ले सकते, रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो हम कुछ रिस्ट्रिक्शन पहले परम्यूटेशन लिख लेते हैं, ये हटा दूं। रेस्ट्रिक्टेड परम्यूटेशन, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम इफ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स taken R at a time. If one particular object is always included, वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंक्लूडेड, एन में से आर में से एक तो हमने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से आर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है, उनमें से एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, एन में से एक पर्टिकुलर ऐसा ऑब्जेक्ट, तो आर ऑब्जेक्ट लेना था तो आर प्लेसेस होंगे, आर ऑब्जेक्ट के लिए आर प्लेसेस। मैंने एक जो पर्टिकुलर है एन में से उसको मैं कितने वे से फिल कर सकता हूं इन आर प्लेस, आर वे से, बात खत्म हो गई, कहीं भी एक रख। अब प्लेस भी है, कितने बाकी खाली रह गए आर माइनस वन, और ऑब्जेक्ट कितने बचे एन माइनस वन, तो बाकी सेम एन माइनस वन पी आर। सबको समझ में आया क्या, फर्स्ट केस समझ में आया क्या, है ना। अब अगर मैं वन की जगह क्या क्या कर दूं, टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स आर ऑलवेज इंक्लूडेड, दो पर्टिकुलर आर पी टू, पहले टू प्लेसेस सेलेक्ट करो और उनको अरेंज भी करना है, इसलिए आरपी। अब बचे एन माइनस टू ऑब्जेक्ट, उसमें से आर की जगह टू नहीं लेंगे, आरपी टू लेंगे, समझ में आया ना। आरपी टू का ही मतलब आर इंटू आर माइनस वन होगा, कि पहला प्लेस आर वे से दूसरा प्लेस आर माइनस वन, आरपी टू भी निकालोगे, फैक्टोरियल आर अपॉन फैक्टोरियल आर माइनस टू, आर इंटू आर माइनस वन फैक्टोरियल आर माइनस टू से फैक्टोरियल आर माइनस टू, समझ में आया क्या।
if one particular object is never included. One particular object is never included. क्या करो, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट निकालो एन में से, उसको फेंक दो, क्योंकि वो तो इंक्लूड ही नहीं करना, बची एन माइनस वन, उसमें से अभी भी कितने लेना आ रही है, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। ठीक है, अब इसमें भाई हमने थ्योरी वाइज ये लिख लिया है, पर क्वेश्चन डिफरेंट वेराइटी के होंगे तो वही हमें जरूरी नहीं ये फॉर्मूले हम अप्लाई कर पाए, तो या अप्लाई करेंगे तो इस फॉर्म में कन्वर्ट करें, उससे अच्छा हम ऐसे ही कर सकते हैं। सेकंड नहीं आया, कौन सा? टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इंक्लूडेड, दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट लेना ही है, एन में से दो पर्टिकुलर ले रही है, लेकिन लेना कितने थे टोटल आर, तो आर प्लेसेस वेकेंट थे, तो पहला ऑब्जेक्ट लिया, अब उसको कितने तरीके से रख सकते आर वे, दूसरा ऑब्जेक्ट लिया एन में से जो पर्टिकुलर था जो लेना ही है, उसको आर प्लेस में से एक प्लेस तो फिल हो गया, तो बचे आर माइनस वन, आर आर माइनस वन के प्लेस पर ही आर पी टू लिखा, आर पी टू को सॉल्व करो तो आर इंटू आर माइनस, अब बचे कितने ऑब्जेक्ट एन माइनस टू, उनमें से कितने सिलेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट लेकर अरेंज करना, आर माइनस टू, एन माइनस टू पी आर माइनस टू, समझ में आया क्या? क्लियर हो गया सभी को, है ना? तो अब क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, जैसे क्वेश्चन इस तरह से होंगे कि कोई भी लेटर दिया है उसमें टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑलवेज इंक्लूडेड ऑलवेज कमिंग टूगेदर, तो उन दोनों को बांधेंगे, उनको साथ में ही रखना है हमेशा, फिर नेवर टूगेदर टोटल नंबर ऑफ वे निकालेंगे, उसमें से ऑलवेज टूगेदर वाली केस सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना? इस तरह की क्वेश्चन हो सकते हैं, तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये रफ कर दूं, हो गया क्या सबका? If letters of the word equation are arranged then find the number of words in which first case O A R always coming together O A R never coming together ठीक है, देखें यहां वर्ड इक्वेशन देखें यहां, हमसे क्या बोला है ओ और ए ये हमेशा साथ में, ओ और ए को बांध दो, बाकी लेटर लिख दो ई क्यू यू टी आई एन, थ्री थ्री सिक्स टू एट में से ये सिक्स लिखे, ओ और ए को बांध दिया तो हमेशा ही साथ में, तो इसको वन काउंट, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, इन सेवन को अरेंज करने के लिए फैक्टोरियल सेवन, सेवन की सेवन, लेकिन ओ और ए को आपस में अरेंज करेंगे, समझ में आया क्या? फैक्टोरियल सेवन सभी को मालूम है, फाइव जीरो फोर जीरो इंटू वन थाउजेंड एट, सॉरी टेन थाउजेंड एट, राइट? अब सेकेंड क्वेश्चन,
फर्स्ट पार्ट हो गया ये ओ एंड ए आर नेवर कमिंग टूगेदर. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स माइनस नंबर ऑफ वर्ड्स इन विच ओ एंड ए आर कमिंग टूगेदर. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर्स है टोटल फैक्टोरियल. ये कमिंग टू फैक्टोरियल 8 मतलब 8 × 5, 0, 4, 0 फैक्टोरियल 7 तक तो याद है. माइनस कर लो कैलकुलेट. जीरो अरे जरा कैलकुलेट करो. करेंगे बताएं आंसर. थर्टी टू फोर्टी. ओके बिल्कुल सही. समझ में आ गया कि सभी को कैसे हम लिखते हैं. ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन. हो गया सभी को. हो गया सभी का. हो गया हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड From the letters of the word daughter D A U G H T E R if first vowels है ना. इसका मतलब हो जाएगा all vowels जितने भी vowel all be linked, all vowels coming together are not coming together. सभी vowels साथ में हो और सभी vowels साथ में ना. थर्ड केस नो टू वोवेल्स आर कमिंग. पहला आंसर सौम्य का सही. हाँ तो देखो फर्स्ट डॉटर में कितने लेटर हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लेटर. 8 लेटर्स हैं. वोवेल कौन कौन से हैं. ए यू ई फिर डी जी एच टी. 3 वोवेल हैं और 5 कंजोनेंट. ऑल वोवेल्स आर नॉट कमिंग टुगेदर. कोई भी 3 वोवेल एक साथ नहीं. पहले तो सारे तीनों एक साथ में तो इनको हम एक ही यूनिट काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 फैक्टोरियल 6 इनटू फैक्टोरियल 3. फैक्टोरियल 3 इन तीनों को आपस में 720 × 6. ठीक है
And second, all vowels are not coming together. Second का answer भी चाहिए कुनाल का. Total number of words minus vowels are coming together. Factorial 8 कितना होता है? कितना होता है? 5040 into 8. जीरो 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 36,000. ठीक है. अब थर्ड क्वेश्चन, इसमें क्या है, कोई ऑल वॉवेल्स आर नॉट कमिंग टुगेदर, मतलब जितने वॉवेल्स थे ये एक साथ नहीं आए, तीनों एक साथ नहीं आए. पर ऐसा केस है कि एयू आया है एक साथ और ईएल है. अब ये बोल रहे हैं नो टू वॉवेल्स आर कमिंग टुगेदर, कोई भी दो वॉवेल एक साथ ना हो. डिफरेंस समझ में आएगा सेकेंड और थर्ड केस में? सेकेंड और थर्ड केस में डिफरेंस समझ में आया? सेकेंड और थर्ड केस में डिफरेंस सबको समझ में आया? क्या है डिफरेंस है? अरे मैं बोल रहा हूँ सेकेंड और थर्ड में लैंग्वेज में क्या डिफरेंस, वो समझ में आया? जो सेकेंड है उसमें दो वोवेल ए यू साथ में आया, ई अलग आ रहा है कहीं पे, जैसे ए यू जी एच टी ई आर ऐसा, मतलब ई बीच में आ गया कहीं, ए यू साथ में, यू 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 ई साथ में, ए अलग, ऐसे सारे केस इंक्लूड है. लेकिन अब थर्ड केस में बोल दिया कि कोई भी दो वोवेल एक साथ नहीं आना चाहिए. तो सबसे पहले हम कंजोनेंट को अरेंज करेंगे ऐसे क्वेश्चन, एक दो तीन चार पांच, फाइव कंजोनेंट को फैक्टोरियल फाइव कैसे अरेंज करेंगे, फाइव पी फाइव. अब उनके बीच में गैप्स 1 2 3 4 5 6, सिक्स गैप्स है, सिक्स गैप्स है. इन गैप्स में हमें थ्री वोवेल्स रखना है ए यू, और अरेंज भी करना है सिलेक्ट, तो ये गैप सिलेक्ट करके अरेंज करना है, 6P3, 6 में से 3 गैप. समझना है कि सबको, केवल सिलेक्ट नहीं करना, सिलेक्ट करके अरेंज भी कर सकते हो 6P3. क्या ये समझ में आया सभी को? फैक्टोरियल 5 120, फैक्टोरियल 6 आज में आया कि कैलकुलेशन देखो एक बार सही है. हो गया क्या सभी का? ओके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें. हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000? हाउ मेनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 can be formed using the digits? How many numbers greater than 23,000 can be formed using the digits 1 2 3 4 5 3 4 5 if repetition is not allowed? If repetition is not allowed, कर सकते हैं. How many numbers greater than 23,000 can be formed using the digits 1 2 3 4 5 if repetition is not correct?
कुणाल आंसर सही नहीं है। हाँ सुने, देखो 23,000 से ग्रेटर नंबर चाहिए है ना, तो 23,000 से ग्रेटर नंबर फाइव डिजिट नंबर होगा, इज इट क्लियर? फाइव डिजिट नंबर राइट। अब फाइव डिजिट नंबर में भी, हाँ नंदिनी ने बिल्कुल सही, अब फाइव डिजिट नंबर में भी रिस्ट्रिक्शन है, 23,000 से ग्रेटर है होना चाहिए, तो सबसे यूनिट प्लेस पर वन नहीं होना चाहिए, क्योंकि तो अगर वन ले लिया आपने तो वो 10,000 समथिंग, 10,000 से बड़े नंबर बने, हमें 23,000 मतलब 10,000 से लार्जर आएंगे तो 23,000 से स्मॉलर भी हो जाएंगे, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो अगर हम इन दो प्लेसेस का झंझट, क्यों? क्योंकि 23,000 से ग्रेटर ही चाहिए, तो यहां पर मैं फाइव डिजिट नंबर बनाना, अगर मैं यहां पर 3, 4, 5 रखता हूं, 3, 4 या 5 रखता हूं, तो जो भी नंबर बनेगा वो 23,000 से ग्रेटर ही हो। तो अगर मैं यूनिट प्लेस को, यूनिट मतलब फिफ्थ, यहां ये यूनिट है, यूनिट 100,000 10,000 प्लेस पर जो नंबर आएगा उसको या तो 3 ले लेता हूं या 4 ले लेता हूं या 5, तो जो भी नंबर बनेंगे वो 23,000 से ग्रेटर ही होंगे। 2 नहीं रख सकता, यहाँ 2 क्यों नहीं ले सकता, अगर मैंने यहाँ 2 लिया और यहाँ किसी ने 1 ले लिया तो प्रॉब्लम है ना, तो वो केस अलग ले लेंगे। तो हम क्या करें, 3, 4, 5 यहाँ पर रखें, कितने वे थे 3, अब कोई प्रॉब्लम नहीं, अब एक डिजिट यहाँ रख दिया, अब बचे 4 डिजिट, इस प्लेस को 4 वे थे, फिर 3 वे थे, फिर 2 वे थे, फिर 1, रिपीटेशन लो नहीं, 24, 3, 7 समझ में आ गया क्या सभी को? यहाँ तक पहला केस समझ में आया क्या, जब मैंने इस प्लेस पर 3, 4, 5, ठीक है। अब 3, 4, 5 सारे नंबर हो गए 3, 4। अब यहां पर दिक्कत है कि अगर यहां 2 रख ले, ये केस छोड़ दे, तो यहां 2 रखने के बाद हम यहां 1 नहीं रख सकते, बस और कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां 2 फिक्स कर दिया एक वे से, यहां 1 नहीं रखा जा सकता, तो 1 नहीं रख सकते, तो क्या 2 तो रख दिया, 1 नहीं रख सकते, 3 वे, टू वे से सिर्फ। हाँ देखें मिस्टेक, देखें यहां हमने 2 को एक ही वे से रख दिया, अब इस प्लेस पर हम क्या नहीं रख सकते, 2 पहले ही रख दिया, 1 नहीं रख सकते, तो 3, 4, 5 में से कुछ भी रख सकते हैं, 3 वे से है ना, ये 1 वे से, यहां 3 वे, अब इन दो नंबर यूज कर लिए हैं अपन, कौन से दो नंबर यूज कर लिए हैं, यहाँ 2 फिक्स कर दिया है और यहाँ एक नंबर यहाँ फिक्स कर दिया, तो टोटल 5 में से 2 नंबर ले लिए, अब 3 नंबर बचे, यहाँ 3 वे से, यहाँ 2 वे से, क्या सबको समझ में आया क्या ये क्वेश्चन? क्वेश्चन सभी को समझ में आया क्या? यस सर। ठीक है चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स How many numbers of 4 digits can be formed using the digits? How many 4 digit even numbers? How many numbers of 4 digit? How many? That's what I'm thinking. Even numbers of 4 digits can be formed using the digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. If repetition is not allowed. ठीक है। How many even numbers of 4 digits can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
if a repetition is not allowed. Correct. Even number. दो जवाब आए हैं 400 480 दोनों गलत हैं अभी तक नहीं आ रहा देखो फोर डिजिट नंबर बनाना डिजिट कितने गिवन है सेवन सेवन डिजिट गिवन है जीरो अच्छा वेट करो है ना तो देखें इवन नंबर बनाना और फोर डिजिट इवन नंबर तो देखो अब इसमें दिक्कत क्या है एक अगर मैं यहां जीरो रख लेता हूं तो फिर इनको कैसे भी फिल कर सकते हैं है ना यहां कोई दिक्कत नहीं लेकिन अगर मान लो यहां जीरो नहीं लिया मैं 2 4 6 में से कोई एक लिया फिर झंझट ये रहेगा कि जीरो इधर नहीं है ठीक है तो आप इवन नंबर बनाना है तो यहां पर तो 2 4 6 तो अपन दो केस बना लो कि यहां पर एक बार जीरो फिक्स करूं इस प्लेस पर क्या फिक्स कर दिया जीरो जीरो फिक्स कर दिया कितने वे से एक वे से अब तो कोई दिक्कत ही नहीं बच्चे कितने जीरो हटा दो 1 2 3 4 5 6 सिक्स में से 3 नंबर को अरेंज करना है 6p3 बार जो भी आ जाए फैक्टोरियल 6 y फैक्टोरियल 6 720 by 6 120 ठीक है क्या यहां तक ये केस क्लियर है यहां जीरो रखा तो इवन नंबर ही बन अब ये वाला जीरो वाला केस तो ले लिया तो अब यहां क्या लिखूंगा या तो 2 या 4 या 6 कितने वैसे कितने वे से फिल कर सकते हो इस प्लेस थ्री वे से अब थ्री वे से तो ये प्लेस हो गया फिर और 2 4 6 में से कोई एक नंबर यूज किया तो बचे 2 4 6 में से टोटल नंबर थे अपने 7 7 में से एक नंबर भर दिया 6 6 में से एक जीरो यहां भर नहीं सकता इस प्लेस पर नहीं तो फोर डिजिट नंबर ही नहीं रहेगा तो बचे 5 अब टोटल 7 डिजिट में से 2 डिजिट यूज कर दी बचे कितने 5 डिजिट इस प्लेस को 5 वे से इस प्लेस को 4 वे Is it clear? So 25 400 300 दोनों का सम किया दोनों केसेस का 420 फाइनल आंसर विल बी 4 क्या सब कुछ समझ में आया क्या कैसे किया सर सर अगर हम डायरेक्ट पहले ही फिल कर दे जैसे लास्ट वाले को 4
वे से भर सकते हैं और उसके फर्स्ट वाले को पांच तरीके से, फिर गलत क्यों आ रहा है? नहीं तो आंसर कभी नहीं आ पाएगा ना, फोर वे से अगर भर सकते हो यार, तो फिर झंझट आएगा ना कि यहाँ जीरो वाला भरा है उस केस को पहचानना और नॉन जीरो वाला भरा है उस केस को पहचानना। जब यहाँ जीरो भरोगे तो यहाँ यहाँ पर कोई टेंशन नहीं, कुछ भी भरते रहो क्योंकि जीरो एक बार आ गया। लेकिन अगर टू भरा हुआ है यहाँ तो केस अलग हो रहा है। बात समझ में आ रही क्या? आंसर यस सर। नहीं आया होगा ना अगर आपने इसको फोर वे से भर दिया हो। यस सर। रीजन समझ में आया क्यों नहीं आया होगा? क्योंकि इस प्लेस पर जीरो टू फोर टू भरो, फोर फिल करो या सिक्स फिल करो, तब केस तीनों में एक जैसा केस बनेगी। लेकिन जब ये जीरो फिल कर दे तो तब अलग केस बन जाए। ठीक है भाई, टू फोर सिक्स अगर फिल कर देते हो यहाँ तो यहाँ जीरो नहीं ले सकते, ये केस डिफरेंट हो गया। और यहाँ जीरो फिल करते हो तो यहाँ टू फोर सिक्स में से कुछ भी ले सकते और नंबर्स भी ले सकते। समझ में आया क्या? तो डू योर सेल्फ वन करना इसका भी। परमुटेशन में दो कंसेप्ट और बाकी हैं, एनी मतलब रिपीटेशन इज अलाउड वाला केस एक, और दूसरा सर्कुलर परमुटेशन। और एक और, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स इन विच ऑल एन ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट। तो अभी परमुटेशन में भी थ्री केसेस पाए, तो उनकी थ्योरी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? आप क्या करके रखें, डू योर सेल्फ वन और एक्सरसाइज वन टू थ्री फोर के जो भी क्वेश्चन अपनी आज की थ्योरी से कंसर्निंग है वो तो कर सकते हो। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे।